अब देखिए कि इतनी भयानक चोट आने के कारण उनके आदमी वो जो आदमी लड़का है विकास चावला वो उनका खास आदमी है ये मुनु मिश्रा का वहाँ उसके यहाँ मुनिमपुना भी करता था उसकी वसूली भी करता है लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बता दें तीन अक्टूबर 2021 के तिकोनिया हिस्सा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर गंभीर आरोप लगा है उन पर लखीमपुरी खीरी कांड के मुख्य गवाह और उसके भाई पर तलवार से हमला कराने का आरोप लगा है मैं पहला गवाह हूँ का, कांड का सबसे पहले मेरी गवाही हुई है जो तुकुनिया कांड है जो मोनू मिश्रे वाला तो उसका पहला गवाह मैं हूँ ठीक है तो इसलिए मैंने सुबह से मुकदमा लिखने में भी थोड़ा एक देरी के इलाज में हो गई तो मुकदमा लिखने के लिए मैंने तहरीर लिखवाई थी उसके बाद अचानक कुछ वजह से अभी तक कोतवाल ने मुकदमा नहीं लिखा है हम अब, अब देखिए कि इतने भयानक चोट आने के कारण उनके आदमी वो जो आदमी लड़का है विकास चावला वो उनका खास आदमी ये मुनु मिश्रा का वहाँ उसके यहाँ मुनगुना भी करता था उसकी वसूली भी करता है जैसे उनका काम वो होता था, तो उसकी ये उन्हीं का आदमी था तो ये एक बता दी आशीष मिश्रा के सहयोगी के ऊपर हमला करने का आरोप है हमले में दोनों घायल हो गई हैं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य गवाह प्रभजोत सिंह और छोटे भाई सरबजीत सिंह पर शनिवार की रात तलवार से हमला किया गया वार सिर पर किया गया इस हमले में प्रभजोत के सिर पर गंभीर घाव लगा है इस हमले में वह बाल बाल बच गए हैं इसके बाद एक बार फिर लखीमपुर खीरी में माहौल गर्मा गया है वहीं आपको बता दें लखीमपुर कांड के मुख्य गवाह प्रभजोत सिंह अपने भाई सर्वजीत सिंह के साथ एक मुंडन कार्यक्रम में गए हुए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए तीन लोगों ने उनके सिर पर पीछे से तलवार से हमला कर दिया इस हमले में सर्वजीत गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर पर कई टाके लगाने पड़े प्रभजोत सिंह का आरोप है कि हमला लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के करीबियों ने किया है बता दें आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं। आशीष तिकोनिया हमले के मुख्य आरोपी हैं। इस हमले में वे जेल में बंद हैं। हमले के मामले में प्रभजोत सिंह ने शिकायत तिकोनिया थाने में दर्ज कराई है इसमें आशीष मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें